सरदार सरोवर डैम के गेट ना खोले जाने से नर्मदा के किनारे बसे कई गांव डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से हजारों परिवार विस्थापन के कगार पर हैं। इसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर अनशन पर बैठ गई हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर और उनके समर्थक मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में 5 दिन से धरने पर है। इन्हें डर है कि मध्य प्रदेश के 192 गांव बारिश और बांध के पानी में डूब सकते हैं। मेधा पाटकर की मांग है कि गुजरात सरकार सरदार सरोवर बांध को खोले ताकि मध्य प्रदेश के गांव को बचाया जा सके। सरदार सरोवर बांध में पानी का जलस्तर फिलहाल 134 मीटर पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। आंदोलनकारियों की मांग है कि गुजरात सरकार सरदार सरोवर डैम के गेट को खोलकर जलस्तर को 130 मीटर तक कम कर दे और 32,000 प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास शुरू करे। हालांकि मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी जिलों से पिछले 22 दिनों में 16,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है। इससे प्रभावित होने वाले ज्यादातर लोग मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ इलाके से हैं। बड़वानी, धार, खरगोन, अलीराजपुर जिले समेत करीब 20 गांव बांध के बैकवाटर से डूबते जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में निसरपुर, राजघाट, चिखलदा, छोटा बड़दा, एकलवाद, जंगरवा, पिछौरी जैसे गांव शामिल है। यहां आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। इतनी परेशानियों के बाद भी लोग अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि वे लोग किसी प्राकृतिक आपदा के शिकार नहीं हुए हैं, बल्कि गुजरात सरकार की वजह से इस हालत में पहुंचे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें समय रहते गांव छोड़ने की सलाह दी है, लेकिन बिना उचित पुनर्वास के ये लोग कहां जाएंगे। उन्होंने बताया कि उन्हें सरकार की तरफ से आश्वासन तक नहीं मिला है, उल्टा उन्हें गांव से खदेड़ने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। ऋतु वर्षा, गो न्यूज़।